सीएम गहलोत ने प्रदेश की जनता के सामने जिस राइट टू हेल्थ सपने को 2 साल पहले रखा था वो अब अस्पतालों में फ्री सेवा के रूप में कल से दिखाई देने लगेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीएम गहलोत की ओपीडी आईपीडी में सभी चिकित्सा जांच और दवाएं फ्री करने की बजट घोषणा से जुड़ी। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के निर्देशन में चिकित्सा विभाग ने बजट घोषणा के क्रियान्वयन में सुपर स्पीड दिखाई है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि प्रदेश की जनता को अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। गरीब हो या मध्यम वर्ग या फिर बुजुर्ग, हर किसी को चिकित्सा सुविधा का अधिकार मिले। इस सोच के साथ राजस्थान में गहलोत ने पिछले कार्यकाल में निःशुल्क दवा और जांच योजना शुरू की। योजना की लोकप्रियता का आलम ये रहा है कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी इसे यथावत रखा गया, लेकिन सीएम गहलोत ने मौजूदा कार्यकाल में इससे भी आगे बढ़कर प्रदेश की जनता को चिकित्सा की गारंटी देने का न सिर्फ मन बनाया बल्कि इसे धरातल पर लागू करने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में सभी तरह की जांच व दवाएं फ्री कर दी हैं। सीएम के बजट घोषणा के क्रियान्वयन में चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग 1 अप्रैल यानी कल से ओपीडी आईपीडी सेवा निःशुल्क करने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार सरकारी अस्पतालों में ओपीडी आईपीडी में रजिस्ट्रेशन के लिए दिए जाने वाला शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ओपीडी और आईपीडी रजिस्ट्रेशन निशुल्क होगा। सरकारी अस्पतालों के ओपीडी में आने वाले और आईपीडी में भर्ती मरीजों को सभी दवाइयां और जांचें निशुल्क प्रदान की जाएंगी। आदेश में ये भी कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक ये सुनिश्चित करेंगे कि चिकित्सालय के दवा वितरण केंद्र में उपलब्ध दवा मरीजों को लिखी जाए। विशेष परिस्थिति में आवश्यक होने पर अन्य दवा नियमानुसार क्रय कर रोगी को उपलब्ध कराई जाएगी। अब सरकारी अस्पताल में फ्री दवा फ्री जांच, प्रदेश के मरीजों के लिए सीएम गहलोत की बड़ी सौगात। 1 अप्रैल से सरकारी अस्पताल में मिलेगी फ्री ओपीडी आईपीडी सेवा। सीएम के बजट घोषणा के क्रियान्वयन में चिकित्सा महकमे ने निकाले आदेश। आदेश के मुताबिक कल से ओपीडी आईपीडी रजिस्ट्रेशन शुल्क समाप्त, ओपीडी और आईपीडी में भर्ती मरीजों को सभी दवाइयां व जांचें मिलेंगी निशुल्क। अकेले एसएमएस अस्पताल की करें बात तो हजारों मरीजों को रोजाना मिलेगा फायदा। फिलहाल ओपीडी की पर्ची के लिए 10 रूपए जबकि भर्ती होने के लिए 50 रूपए शुल्क है। इसके अलावा अलग अलग तरह की एमआरआई के लिए 800 से 6000 रूपए का शुल्क, सिटी स्कैन एनजीओ के लिए 720 रूपए से लेकर 4000 रूपए तक का शुल्क, 2D इको 700 रूपए, आईसीयू चार्ज 500 रूपए, विटामिन डी लेवल के लिए 1100 रूपए, विटामिन B12 330 रूपए, कैंसर मार्कर के 618 रूपए, इम्यूनो 17 के 2200 रूपए, टॉर्च प्रोफाइल के लिए 1265 रूपए, थायराइड के लिए 330 रूपए, ट्रॉप टी के लिए 510 रूपए, प्रो BMP 1008 रूपए, PCT 1400 से 1540 रूपए, डी डाइमर 582 रूपए, CRP 185 रूपए, ABG 230 रूपए, माइनर OT चार्ज 200 रूपए, मेजर OT चार्ज 500 रूपए, लेपोस्कोपी 1500 रूपए, एडवांस लेपोस्कोपी के लिए तय कर रखे हैं 3000 रूपए। लेकिन अब कल से इन समेत 200 से अधिक पेट जांचें होंगी पूरी तरह से निशुल्क। अभी हमने जो आदेश जारी किया है, राज्य सरकार ने जो आदेश जारी किया हमारे दोनों अधिकारियों के हस्ताक्षर से, उसमें यह है कि अभी पूरा कल 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक एक पूरा एक तरह से प्रायोगिक तौर पर ड्राई रन किया गया है और 1 मई से ये जो पूरी घोषणा है ये पूरी पूर्ण रूप में इम्प्लीमेंट हो जाएगी 1 मई से। स्वास्थ्य विभाग के आदेशों के अनुसार सरकारी अस्पतालों में PPP मोड पर संचालित जांचें भी निःशुल्क की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर वीके माथुर ने बताया कि विभिन्न सरकारी अस्पतालों में PPP मोड पर संचालित सुविधाएं जैसे सिटी स्कैन, MRI और डायलिसिस भी मरीजों को निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। संबंधित PPP पार्टनर को इसके लिए उनके द्वारा मरीजों से लिया जाने वाला शुल्क संबंधित चिकित्सा संस्थान द्वारा भुगतान किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक बजट उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि चिकित्सा विभाग ने ये सभी सुविधाएं प्रदेश के मरीजों के लिए ही लागू की हैं। यानी जो मरीज दूसरे राज्य से आएगा उसे फ्री सेवा का फायदा नहीं मिलेगा। मरीजों के प्रदेशवासी होने के प्रमाण पत्र के रूप में मरीज का जन आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज लिए जाएंगे। और जो शासन सचिव महोदय है चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के, उनके संयुक्त हस्ताक्षर से आदेश जारी हुआ है, उसमें सब जगह ये निर्देशित किया गया है कि कल से मरीजों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेना है। अभी हम जो OPD में उनसे शुल्क लेते हैं, MRS में जो मरीज भर्ती होते हैं उनसे शुल्क लिया जाता है, एक तो वो कल से बंद हो जाएगा। उसके अलावा जो सभी जांचें हैं वो तो पहले भी निःशुल्क होती थी और आगे भी निःशुल्क जांच होती रहेगी।
निःशुल्क दवा वितरण होता रहेगा। और कुछ जो जांचें हैं जिसमें हम कुछ पीपीपी बोर्ड पर जो कुछ विशेष था जिसमें कि हम कुछ शुल्क लिया करते थे वो शुल्क भी कल से नहीं लेंगे, उसके लिए अलग से बजट प्रावधान किया जाएगा। हालांकि मरीज के उपचार से संबंध नहीं रखने वाली अन्य सुविधाएं जैसे पार्किंग, कैंटीन, कॉटेज वार्ड का शुल्क राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की नियमावली के अनुसार होगा। चिकित्सा विभाग ने शुरुआत में एक महीने के लिए ड्राई रन के रूप में ये व्यवस्था लागू की है। इस दौरान घोषणा के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को चिन्हित कर समाधान किया जाएगा। योजना की औपचारिक शुरुआत 1 मई से तय की गई है, जिसका सीधा फायदा प्रदेश के सभी लोगों को मिलेगा। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।